यहाँ मेरा बाइक रुका था और जैसे ही बाइक का इम्पैक्ट यहाँ पड़ा ना इधर कॉर्नर पे, तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ, मेरे से रिश्वत मांग रहे हो, ठीक है? तुम्हारी ड्यूटी थी वहाँ पर, हॉस्पिटल से घर जा रहा था तो मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं थे। मेरे बोला कि कैश लेना काठमांडू आ जाओ, नहीं तो अकाउंट नंबर भेजो, अभी ट्रांसफर मार रहा हूँ। नेपाल से अपने को बहुत प्यार है, नेपाल के जज, नेपाल का कोर्ट, नेपाल का पुलिस एकदम बढ़िया है। आपका गाड़ी नंबर पुलिस को दे दिया, आपको दिक्कत हो सकती है आप वहीं पे बैठ जाओ। पानी का बोतल ले लिया, केक ले लिया, बैग ले लिया, डॉक्यूमेंट ले लिए, जैकेट ले ली, आज मैं क्रॉक्स ही पहन के जा रहा हूँ। उसका कहना पूरा दिन गाड़ी में बैठे रहो शूज पहन के, पैरों में दर्द हो जाता है, करना कुछ भी नहीं है, क्रॉक्स पहन के जो आराम से गाड़ी में बैठेंगे, उतार दिए, फिर जब उतरना होगा फटाफट से, पहले भी पूरा दिन नहीं उतरा था, बैठो उतरो बैठो उतरो। और अभी टाइम सुबह के 7:30, आज हम निकलने में थोड़ा लेट हो गए, कल रात को सोने में लेट हो गए थे, रात को 1 बजे तक हमने बैठ के एडिटिंग करी है, नींद ही लेट खुली है। 6:30 बजे का अलार्म लगाया था, उठते उठते 7 बजे रेडी हुए, नीचे ड्राइवर भैया आ गए, अब जा रहे हम कहाँ? धादिंग अपने कोर्ट केस के लिए। यहाँ की सबसे अच्छी चीज ये है ना, होटल से बाहर निकलते भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जो करना भगवान अच्छा ही करना। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग भाई जी, ठीक है? बहुत बढ़िया है। अभी आपको एक जेन्युइन वाली बात बताऊं, रात को इतने ज्यादा थक गए थे ना, डिनर भी नहीं किया था, अब भूख लग रही है सुबह सुबह ही। सुबह सुबह सबसे मजा ये आता है, रोड आपको बिल्कुल खाली मिलती है। आधे घंटे में नंबर आएगा अपना। कल हम 7 बजे निकले थे और 10 बजे पहुंच गए थे। आज रास्ते में इतना ज्यादा जाम मिला ना, जाम में खड़े खड़े 1.5 घंटा फालतू लगा और कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि रुकते हुए ज्यादा टाइम लगता। फिर हमारे जो विटनेस है वो भी आए हुए थे तो अच्छा लगता किसी को वेट कराना, तो अभी 1/2 घंटा लगेगा, उसके बाद साइन वाइन जो भी होना है, पेशी वेशी वो होगी, तब तक पास में शॉप है, कुछ खा लेते हल्का फुल्का ना। कल भी यहाँ पे चाउमीन खाई थी ना, सबसे मेन चीज चाउमीन के अंदर छोले डाले हुए, उसका टेस्ट ही अलग आता है। अब घर पे भी बनाऊंगा ना तो छोले डालूंगा बीच में। पराठा भी ऑर्डर किया था लेकिन अंदर से कॉल आ गया हमारे लॉयर साहब का कि आपका नंबर आ गया, फटाफट से आ जाओ, छोड़ के आ गया। तो जिस काम से हम यहाँ पर आए थे ना वो काम हो गया बढ़िया तरीके से, मतलब पिछली बार ही आए थे ना तो हम नेगेटिव होके गए थे कि हाँ जिस काम से आए वो काम हुआ ही नहीं, लेकिन जिस काम से इस बार आए थे वो काम हो गया। पराठे हमने पैक करा लिए बिकॉज हमारे जो लॉयर साहब हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट में डेट है, सुप्रीम कोर्ट है काठमांडू में, 2 बजे का टाइम, यहाँ से निकलेंगे तभी वहाँ टाइम से पहुँचेंगे, पराठे रस्ते में ही खा लेंगे, लेकिन अच्छा लग रहा वो काम हो गया। गाना मैं बोलता ना अभी तो हमने टुकड़े टुकड़े करके डलवा दिया है, वो गाना आपने सुना ना, दिल टूटे टूटे हो गया, तो ये पराठे टूटे टूटे हो गया। तो आज जो हमारे लॉयर सर है ना उनका वर्त है, उन्होंने पराठे वराठे कुछ नहीं खाए, तो वो फ्रूट्स खा रहे हैं, केले मिल रहे हैं यहाँ पर, वो केले खाएंगे। एक चीज ना मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा था, जब भी हम उस रस्ते से निकलते हैं ना, मतलब कोर्ट आते हैं, तो रस्ते में गजूरी आता है जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जब भी वहां से निकलते हैं ना, मतलब मेरे को वैसा वाला फील होता है जैसे वो होता ना कि वही मंजर आंखों के सामने आता है, एकदम से दिल दहल सा जाता है। तो अभी मैंने सर को बोला जो गाड़ी चला रहे हैं कि एक बारी वहाँ से निकलेंगे ना तो जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस स्पॉट पे एक बारी रुकते हुए चलेंगे, एक बारी मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ ना उसके बाद मेरे को हल्का हल्का याद है, धुंधला धुंधला कैसे एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था। तो एक बारी वहाँ पर रुकेंगे, मुश्किल से 5-10 सेकंड के लिए रुकेंगे, ज़्यादा नहीं, एक बारी बस देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक मैं वहाँ रुकूंगा नहीं ना मेरा अंदर से डर खत्म नहीं होगा। मैं वहाँ से निकलता हूँ मेरे को अंदर से ऐसा होता है कि भाई जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था वैसे वाला, आप समझ सकते हो कैसे वाला फील होता है। तो एक बार वहाँ रुकेंगे 5-10 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। सर गजूरी रुकते हुए जाएंगे 5-10 सेकंड के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पहले हमने सोचा था केला नहीं खाते, लेकिन जब सर ले आए और केले देख के खाने का मन कर गया, एक ही बाइट में खाया जाएगा ऐसा पूरा। गजूरी पहुँच गए हम और अभी वो आगे वो लोकेशन है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। तो अभी मैं एक्चुअल में आपको सीन समझा सकता हूँ उस टाइम क्या हुआ था। यहाँ मेरा बाइक रुका था और जैसे ही बाइक का इम्पैक्ट यहाँ पड़ा ना इधर कॉर्नर पे, और मैं उछल के ये वाला खंभा देख रहे हो आप, इस पे मेरी दोनों टांगें लगी थी जिसकी वजह से मेरी हड्डी टूटी थी।
आपका दोनों पैर ऐसे जाके यहाँ टकराया था, ऐसे ऐसे टकराया, आप जाके गिरे इधर, हाँ यहाँ पे गिरे आप और यहाँ पे गिरे हुए थे। 1% ये खंबा ना होता तो हो सकता मेरे को चोट ना लगती। हाँ, और 1% ये भी हो सकता कि आप दूर जाके और ज्यादा चोट लगता, हो सकता दूर जाके गिरते। यहाँ से निकलता हूँ ना, मेरे दिमाग में वही चलता कि लोग बोलते ना कि हाँ भाई कमजोर, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, लेकिन हर टाइम मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि जो हुआ जान के नहीं करा, लेकिन दिमाग में तो होता ना कि हाँ मुझसे हुआ तो उसका अफसोस मेरे को जिंदगी भर रहेगा। तो बस मैं एक बार यहाँ पर उतरना चाहता था। काफ़ी टाइम तक तो मेरे बाइक के पार्ट यहाँ पड़े हुए थे, लोग यहाँ पर आके वीडियो बना बना के डालते थे ना, तो उनकी वीडियो में पता लगता था मेरे ग्लव्स पड़े हुए हैं, बाइक का कोई पार्ट पड़ा हुआ है। सही कहना चाहूँगा कि आप सबको ही पता है जो मेरे से हुआ वो मैंने जान के नहीं किया, बट मैं भी उनकी आत्मा के लिए शांति मांगना चाहूँगा भगवान से, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसा कभी ना हो दोबारा। कुरे बुझिन है हजुर। अनि हिजो हामीले 10,000 दिएको चाहिँ के हो खास? हेलो हेलो, नेटवर्क गयो क्या? नेटवर्क चला गया, उनका चला गया ना। क्या कह रहे हैं वो 10,000 का क्या किया? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं पैसे नहीं दिए मेरे को। ठीक है, हम आए आगे बैठेंगे, गेस्ट हाउस के खर्चे एक्सपेंसेस जितने भी है, पैसे मेरे को एक भी नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए मैंने आपका गाड़ी नंबर पुलिस को दे दिया, आपको दिक्कत हो सकती है आप वहीं पे बैठ जाओ, बोल रहे जहाँ पर है वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। कितने पैसे मांग रहा? 20,000 गाड़ी के आने जाने के। आने जाने के। और रहने का? रहने का अलग से 10,000। उनका घर तो कजूरी में हो गया, कॉल दे दिया 10,000 हो गया, वो खत्म, वो खत्म, उनका घर भी कजूरी में। 20,000 रुपीस चाहिए वो बोल रहा है अलग से। हाँ, गुंडा कर दिया यार। आप क्या? हाँ जी, अरे हाँ जी बताओ। नहीं, हम काठमांडू जा रहे हैं। काठमांडू में मेरे को काम है, कोई वेट कर रहा है, मेरी मीटिंग है वहाँ पर। गाड़ी नंबर जिसको देना है दे दो गाड़ी नंबर, काठमांडू आके मिल लो, हम मिल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मना थोड़ी कर रहे हैं आपको मिलने से कि नहीं मिल रहे, हम बोल तो रहे मिल रहे हैं, काठमांडू आके मिल लो। हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं काठमांडू आ जाओ, आपने जाना तो वही है ना, वही काम कर, आपने हमें बताया ना आप काठमांडू में जॉब करते हो, तो आप काठमांडू आ जाओ, हम वहीं पर है, मना थोड़ी कर रहे हैं। अब हमारे हाँ, तो तुम्हें हमने कल 10,000 रुपए भी तो दिए ना, तुम रुके उसके बाद अपने घर पे, है ना, 10,000 रुपए तुम कौन से गेस्ट हाउस में रुके, मेरे को गेस्ट हाउस की पर्ची व्हाट्सएप कर। पहले तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ, मेरे से रिश्वत मांग रहे हो, ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी थी वहाँ पर, तुम मेरे से मांग रहे हो रिश्वत, तुम्हारी ड्यूटी थी वहाँ पर अपना कोर्ट आना, तुम्हें पहले मैंने 10,000 रुपए दे दी, अब तुम 20,000 रुपए और मांग रहे हो, ठीक है, तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ मैं, करूँ मैं कंप्लेंट। अभी वॉशरूम आके वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर बना नहीं सकता था, तो आपको पूरा सीन थोड़ा बहुत तो समझ आ गया, पूरा सीन रूम पे जाके समझाऊंगा या नहीं समझा सकता। बस पुलिस वालों ने हमें रोक लिया है, और पुलिस वालों की गलती नहीं है, मतलब पुलिस वालों को पता नहीं हुआ क्या है, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, जो हमारे विटनेस आए थे ना, तो अब वो पैसे पैसे मांग रहे कि हम आए तुम्हारे लिए, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अरे भैया
ठीक है, अभी रूम पे जाके आपको पूरी कहानी बताऊंगा, देखते हैं क्या मैटर होता है, मुझे भी नहीं पता बिगड़ता है या सुधरता है क्या होता है। मैंने बोला कि कैश लेना काठमांडू आ जाओ, नहीं तो अकाउंट नंबर भेजो, अभी ट्रांसफर मार रहा हूँ। कह रहे तुम्हें पुलिस वाला रोक लेगा, तुम आगे नहीं जा पाओगे। तो भाई अभी वहाँ पर क्या सीन हुआ, जो भी हुआ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए वहाँ ना मूड ऐसा हो गया था भाई क्या ही हो रहा है, मतलब वो होता नहीं एकदम से डिप्रेशन वाला। तो ठीक है भाई, डिनर हमारा हो गया है, बस आपके दो मिनट लेना चाहूंगा, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो आज आपने देखा हमारे साथ क्या हुआ, और ये बेसिकली आज नहीं हुआ, पहले भी हो रहा था और बहुत बार ही हुआ है, लेकिन मैं उस बारे में ना डिस्कस नहीं करना चाहता था। मैं चाह रहा था कि हाँ ठीक है यार, जो अपना केस है, जो भी मैटर चल रहा है, बस वो खत्म हो जाए, जो हो रहा है ठीक है उसको हम संभाल लेंगे। लेकिन ना आज ऐसा हुआ ना कि पानी सर के ऊपर से निकल गया कि भाई बार 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 बार, तो आज तो ऐसा हो गया मेरे से सहन ही नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है भाई आप थाने आ जाओ, भले ही हमें बंद करवा दो, लेकिन फालतू के पैसे हम नहीं खर्चेंगे। लेकिन एट दी एंड हुआ वही, हमें वहाँ से पैसे देने पड़े जितने वो लोग मांग रहे थे और दे के निकल लिए। बस ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। पता क्या होता है कि जैसे अपनी कोई इसमें गलती भी नहीं है, ठीक है मेरे से एक्सीडेंट हुआ और मैं उसको मान भी रहा हूँ, लेकिन उसमें एक्चुअल में मेरी गलती सच में नहीं थी। कोई इंसान बिना देखे एकदम से रोड में भागता हुआ आ गया और एकदम से बाइक से टकरा गया, तो उसमें मुझे भी नुकसान हुआ है, मेरी टांग अभी तक ये ठीक नहीं हुई है, सीधी नहीं होती है प्रॉपर, इतनी रहती है, मैं भी अभी तक लंगड़ा के चलता हूँ, पता नहीं सीधी होगी भी नहीं होगी, इस उम्मीद में हूँ कि सीधी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता होगी नहीं होगी। तो वैसा होता ना कि हाँ किसी इंसान का उतना फ़ायदा उठाओ जितना वो सह ले, लेकिन उठाई जा रहे। तो आज ऐसा होगा कि वो सर के ऊपर से ना पानी निकल गया, मतलब लिटरली मेरे को रोना सा आ रहा था। बस एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जब लास्ट मैं बीमार था ना, यहाँ पर हॉस्पिटल से घर जा रहा था, तो मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं थे, मतलब मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली हो चुका था लास्ट जब मैं हॉस्पिटल में था, बेड पे था। उसके बाद मेरे को घर जाना था और बिजनेस क्लास चाहिए थी, क्योंकि मेरी टांगे पूरी मुड़ती नहीं थी, सीधी सीधी जानी थी, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। मैंने दिल्ली अपने दोस्तों को फ़ोन करा, यहाँ वहाँ फ़ोन करा, उधार मंगाया कि पैसे दो मेरे को टिकट करानी, तब मैं घर गया था। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी इंसान का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि वो आप ऐसे बाहर हो जाए। तो आज मेरे साथ यही हुआ, लेकिन ठीक है मैंने अपने आप को संभाल लिया। बाकी ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो हुआ ठीक है, होता रहता है, नॉर्मल है। इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, और जल्दी हम नेपाल की राइड बनाने वाले हैं। नेपाल से मेरे को बहुत प्यार है, एक चीज़ और बता दूँ, जाते जाते दिमाग में आती रहती है ना, नेपाल से अपने को बहुत प्यार है, नेपाल के जज, नेपाल का कोर्ट, नेपाल का पुलिस एकदम बढ़िया है, लेकिन कुछ एक दो बंदे होते हैं ना जो सही नहीं होते, तो ये समझ लो कि उनसे मेरा पाला पड़ गया। और ऐसा नहीं है वो बंदे नेपाल में होते, वो हर जगह होते हैं, इंडिया कहीं भी चले जाओ, वो ऐसे बंदे हर जगह होते हैं, तो उनसे पाला ना ही पड़े तो बढ़िया, तो उनसे पड़ गया और बस आप ऐसे बाहर हो गया। ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कुछ भी अच्छा लगा लाइक कर देना। बस अभी मूड थोड़ा ऐसा ही है, उस बारे में सोचते ना क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता, वो वैसा होता ना अंदर से भर आता कि यार कितना करूँगा कर करके थक गया। चलो बाय बाय।